हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टॉप थर्टी क्वेश्चंस फॉर केमिस्ट्री प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल एग्जाम के दौरान वाइवा लिया जाता है और वाइवा से ही इम्प्रेशन बनाया जा सकता है एक्सटर्नल टीचर पर कि मार्क्स पूरे के पूरे दिए जाए अगर आपने पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट बहुत ही अच्छे से किया और वाइवा के क्वेश्चन को नहीं बता पाया तो सारा मेहनत बेकार हो जाता है तो इस तरह से वाइवा का इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाता है तो इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तो सबसे पहले हम सॉल्ट एनालिसिस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एंड देन टाइट्रेशन के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है तो इसका आंसर है द टाइप ऑफ एनालिसिस दैट डील्स विद द मेथड्स विच आर यूज्ड टू डिटरमाइन द कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए कंपाउंड क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है कि जो सॉल्ट हमें दिया गया है उसकी क्वालिटी यानी कि उसमें कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स प्रजेंट हैं उसका पता लगाना दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि दिए गए सॉल्ट में कौन सा कैटायन और कौन सा एनायन प्रजेंट है इसका पता लगाना नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ए रेडिकल रेडिकल क्या होता है तो इसका आंसर होगा ए रेडिकल मे बी डिफाइंड एज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच कैरीज चार्ज एंड बिहेव एज ए सिंगल यूनिट इन केमिकल रिएक्शन यानि कि रेडिकल कोई एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है जिस पर कि चार्ज प्रजेंट हो जैसे कि आई माइनस एफ ही डबल प्लस सी यू प्लस एन एच फोर प्लस और ये केमिकल रिएक्शन में सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाट आर एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल क्या है तो इसका आंसर होगा ए सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स नॉन एज रेडिकल्स द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ ए सॉल्ट कैटायन विच हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए बेस इज नॉन एज बेसिक रेडिकल द नेगेटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द सॉल्ट एनायन विच हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम एन एसिड इज नॉन एज एसिडिक रेडिकल इसका मतलब है कि कोई भी सॉल्ट जो होता है वो दो पार्ट से मिलकर बनता है पहला है कैटायन और दूसरा एनायन अब ये जो कैटायन है ये हमें कहाँ से मिलता है बेस से मिलता है इसलिए इस कैटायन को बेसिक रेडिकल भी कहा जाता है ठीक इसी तरह से एनायन मिलता है एसिड से इसलिए एनायन को एसिडिक रेडिकल कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सॉल्ट आयोनाइज वैन डिजॉल्व्ड इन वाटर यानी कि जब हम सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये आयन्स में क्यों सेपरेट हो जाते हैं तो इसका आंसर है ड्यू टू द हाई डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होल्डिंग द टू आयस इन ए सॉल्ट डिक्रीजेज दस टू आयन सेपरेट वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है वो हाई होता है तो जब भी डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जब किसी का हाई होता है तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच के अट्रैक्शन फोर्स को कम करता है और इसी के कारण वे एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल जब हम एन को वाटर में डालते हैं तो ये एन प्लस और सी माइनस में टूट जाता है क्योंकि इनके बीच के फोर्स ऑफ एट्रैक्शन को वो कम करता है बिकॉज डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर इज हाई नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कलर ऑफ आयरन सॉल्ट आयरन सॉल्ट्स का कलर क्या होता है तो इसका आंसर है फेरस सॉल्ट आर यूजली लाइट ग्रीन फेरस साल्ट जो होते हैं वो लाइट ग्रीन कलर के होते हैं फॉर एग्जाम्पल एफ ई का कलर होता है लाइट ग्रीन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द कलर ऑफ निकल सॉल्ट तो इसका आंसर है ब्लूइश ग्रीन और ग्रीन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सब्लिमेशन सब्लिमेशन क्या है इसका आंसर होगा इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ए सॉल्ट डायरेक्टली चेंजेज इन टू द गैसियस फेज विदाउट मेल्टिंग सब्लिमेशन वह प्रोसेस है जब किसी सॉल्ट को हीट किया जाता है तो वह बिना पिघले ही डायरेक्ट गैसियस फेज में पहुंच जाता है फॉर एग्जाम्पल जब हम अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट को हीट करते हैं तो ये बिना पिघले ही अमोनियम क्लोराइड वेपर बन जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द रेडिकल विच प्रोड्यूसेज कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग ऐसा कौन सा रेडिकल है जिसे हीट करने पर सी ओ टू गैस मिलता है तो हमारा आंसर होगा कार्बोनेट आयन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्वारेजिया एक्वारेजिया क्या है एक्वारेजिया इज ए मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड एच सी एल एंड कंसनट्रेटेड एच एन ओ थ्री इन द रेशियो थ्री इज टू वन बाई वॉल्यूम जब हम कंसनट्रेटेड एच सी एल और कंसनट्रेटेड एच एन ओ थ्री को थ्री इज टू वन के रेशियो में मिला देते हैं तो जो मिक्सचर हमें मिलता है उसे कहते हैं एक्वा रेजिया नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फ्लेम टेस्ट फ्लेम टेस्ट क्या होता है तो इसका आंसर है फ्लेम टेस्ट इज ए टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग द प्रजेंस ऑफ सर्टेन मेटल्स इन कंपाउंड्स बाय द कलरेशन दे गिव टू ए फ्लेम फ्लेम टेस्ट में मेनली हम लोग फ्लेम के कलर से यह पता लगाते हैं कि हमारे सॉल्ट में कौन सा मेटल प्रजेंट है फॉर एग्जाम्पल अगर फ्लेम का कलर येलो हो तो मेटल होता है सोडियम वायलट रेड हो तो पोटेशियम ग्रीन हो तो बेरियम इसी तरह से डिफरेंट मेटल के लिए हमें डिफरेंट कलर्स देखने को मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई प्लेटिनम मेटल इज प्रिफर्ड टू अदर मेटल्स फॉर फ्लेम टेस्ट यानी कि फ्लेम टेस्ट के दौरान हम लोग प्लेटिनम वायर का ही यूज क्यों करते हैं तो इसका आंसर है बिकॉज प्लेटिनम डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स एंड डज नॉट सेल्फ इम्पार्ट एनी कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम क्योंकि ये जो प्लेटिनम है ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है साथ ही साथ इसका अपना कोई कलर नहीं होता है फ्लेम टेस्ट के दौरान इसलिए इसे यूज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नेर रिएजेंट तो इसका आंसर है इट इज ए सोल्यूशन ऑफ मर्करिक आयोडाइड इन पोटेशियम आयोडाइड इट्स इज़ के टू एच जी आई फोर अगला क्वेश्चन है नेम द एसिड रेडिकल्स डिटेक्टेड विथ डायलूट एस टू एस ओ फोर कौन कौन से एसिडिक रेडिकल्स हैं जो कि डायल्यूटू एसओ फोर के ट्रीटमेंट से डिटेक्ट होते हैं तो ये हैं सल्फाइड आयन और कार्बोनेट आयन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीओ टू एंड एसओ टू बोथ टर्न लाइम वाटर मिल्की हाउ विल यू डिस्टिंग बिटवीन दैम सी ओ टू और एसओ टू जो गैस हैं ये दोनों लाइम वाटर को मिल्की कर देते हैं तो आप कैसे इन दोनों गैसों को पहचानेंगे तो इसका राइट right आंसर है बाईपासिंग थ्रू एसिडिफाइड के टू सी आर टू ओ सेवन सोल्यूशन एसोटू टर्न्स के टू सी आर टू ओ सेवन ग्रीन वाइल सी ओ टू हैज नो इफेक्ट जब बारी बारी से सीओ टू और एसोटू गैसों को एसिडिफाइड के टू सी आर टू ओ सेवन सोल्यूशन से पास कराया जाता है तो ये जो एसो टू गैस है ये इसे ग्रीन कर देता है बट सी ओ टू गैस का कोई इफेक्ट नहीं होता अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है वाट इज लाइम वाटर ये लाइम वाटर क्या होता है तो देखिए ए एसोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर इज कोल्ड लाइम वाटर अगला क्वेश्चन है वाट इज टॉलेंस रिएजेंट तो इसका आंसर होगा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इज कॉल्ड टोलेंस रिएजेंट नेक्स्ट इज व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला होता है एन ए टू एफी सी एन होल फाइव एन ओ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट नेम ऑफ ए बेसिक रेडिकल विच इज नॉट ए मेटल ऐसा कौन सा बेसिक रेडिकल है जो कि मेटल नहीं है तो इसका आंसर है अमोनियम आयन अब आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो टाइट्रेशन से रिलेटेड हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन है वाट इज ए स्टैंडर्ड सोल्यूशन स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या है ए सोल्यूशन हुज स्ट्रेंथ इज नॉन इज कॉल्ड ए स्टैंडर्ड सोल्यूशन वैसा सोल्यूशन जिसका कि स्ट्रेंथ पहले से ही पता हो उसे कहा जाता है स्टैंडर्ड सोल्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ए नॉर्मल सोल्यूशन ए सोल्यूशन कंटेनिंग वन ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ द सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन इज कॉल्ड ए नॉर्मल सोल्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ एस टू एसओ फोर बेसिसिटी जो है वो होता है कि एक एसिड कितने एच प्लस छोड़ सकता है या फिर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ आयोनाइजेबल एच प्लस आयन तो आप एस टू फोर में क्लियरली देख सकते हैं कि कितने आयोनाइजेबल एच प्लस हैं टू है तो इसकी बेसिसिटी हो जाएगी टू अगला क्वेश्चन है वाट इज टाइट्रेशन तो आप सब ने तो टाइट्रेशन किया ही होगा अगर नहीं किया है तो यहाँ पर जान लीजिए द प्रोसेस ऑफ एडिंग वन सोल्यूशन फ्रॉम द ब्यूरेट टू अनदर इन द कॉनिकल फ्लास्क इन ऑर्डर टू कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इज नॉन एज टाइट्रेशन प्यूरेट की हेल्प से एक सोल्यूशन को दूसरे में ऐड करना ताकि केमिकल रिएक्शन कम्प्लीट हो जाए उसे कहा जाता है टाइट्रेशन नेक्स्ट इज व्हाट इज इंडिकेटर इंडिकेटर क्या होता है इंडिकेटर इज ए केमिकल सबस्टांस विच चेंजेज कलर एट द इंड पॉइंट तो इंडिकेटर वो चीज़ है जो अपना कलर चेंज करती है जब इंड पॉइंट आ जाता है इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं मिथाइल ऑरेंज मिथाइल रेड और फिनोक्थलीन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंड पॉइंट द स्टेज ड्यूरिंग टाइट्रेशन एट विच द रिएक्शन इज जस्ट कम्प्लीट इज नॉन एज द इंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन पॉइंट पॉइंट वो point है जहां पर कि हम लोग टाइट्रेशन को रोक देते हैं जैसे ही कोई कलर चेंज होता है इज़ ये मोलर सोल्यूशन ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है सबस्टेंस यानी कि मोलर सोल्यूशन वह सोल्यूशन है जिसके की एक लीटर में वन ग्राम मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉर्ब्ड होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज द इंडिकेटर यूज इन के एम एन ओ फोर टाइट्रेशन के एम एन ओ फोर टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर यूज होता है तो इसका आंसर होगा नो इंडिकेटर इज यूज बिकाउज के एम एन ओ फोर एक्ट एज ए सेल्फ इंडिकेटर यहाँ पर जो के एम एन ओ फोर है वो खुद ही एक इंडिकेटर की तरह कार्य करता है अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर चेंज एट द इंड पॉइंट इन के एम एन ओ फोर टाइट्रेशन के एम एन ओ फोर टाइट्रेशन के दौरान कैसा कलर चेंज होता है तो ये होता है कलरलेस टू परमानेंट लाइट पिंक और हमारा लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एसिडी मेट्री एंड अलकाली मेट्री तो इसका आंसर होगा इट इज द ब्रांच ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इन्वॉल्विंग केमिकल रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस यह वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का ही ब्रांच है जिसमें कि एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो ये थे सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के भाई बाह एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करे, करे करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें